हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है बलजीत कौर, आप मुझे देख रहे हैं इंग्लिश क्लास यूट्यूब चैनल पर, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के थ्रू। दोस्तों, आज की जो हमारी ये क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यानी कि ज़रूरी होने वाली है और उतनी ही ज़्यादा ईजी यानी कि आसान है। जी हाँ, आज की हमारी क्लास में हम सीखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ ऐसे वाक्य जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और स्पेशल बात ये है कि ये सेंटेंसेस सिर्फ दो वर्ड से मिलकर बने हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं सीखने के लिए। अगर आप एक बिगनर हैं या आप चाहते हैं, बच्चे हैं आपके घरों में, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इंग्लिश बोलना सीखें, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो देखते रहिए, सीखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले सेंटेंस के साथ। ये है से गुड बाय। से का मतलब होता है बोलना या कहना, और गुड बाय का मतलब होता है बाय बाय। हमारे घर में कई बार अक्सर जब कोई घर से बाहर जा रहा होता है और घर में छोटा बच्चा होता है, तो हम उसे कई बार कहते हैं कि बाय बोलो बेटा। तो आप बाय बोलो की जगह बोल सकते हो से गुड बाय। ठीक है, ठीक है, से गुड बाय का मतलब होता है बाय बोलो। और अगर बच्चा काफ़ी छोटा है और अभी बोल नहीं सकता, ठीक है, मान लीजिए एक साल का बच्चा है, अभी बात नहीं कर सकता, तो आप उसको बोल सकते हो वेव गुड बाय। वेव का मतलब होता है हाथ लहराना, ठीक है। से का मतलब होता है बोलना, वेव का मतलब होता है सिर्फ हाथ हिलाना। छोटा बच्चा सिर्फ हाथ हिला के बोल सकता है गुड बाय, आप उनको बोल सकते हो वेव गुड बाय, ठीक है। वेव का मतलब होता है लहराना, ठीक है, वेव का मतलब होता है लहराना। नेक्स्ट इज गो एंड प्ले, ठीक है। गो का मतलब होता है जाना, प्ले का मतलब होता है खेलना। आपको अगर कहना है जाओ और खेलो या फिर जाकर खेलो, तब आप बोल सकते हैं गो एंड प्ले, ठीक है। जाओ और खेलो। नेक्स्ट इज होल्ड दिस, ठीक है। होल्ड दिस का मतलब होता है इसे पकड़ो। किसी को भी आपको कुछ भी देना है और बोलना है कि इसे पकड़ो, मान लीजिए पेन है, इसे पकड़ो, तो आप बोल सकते हो होल्ड दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज वेक अप। वेक अप, वेक का मतलब होता है जाग जाना, ठीक है। वेक अप का मतलब होता है जाग जाओ, ठीक है। आप अपने बच्चों को बोल सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं जो सो रहा है, उसका आप बोल सकते हैं वेक अप यानी कि जाग जाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज गेट अप। गेट अप, गेट अप का मतलब होता है उठ जाओ। वेक अप का मतलब होता है जब आप किसी को नींद से जगा रहे होते हो, तब आप उनको बोल सकते हो वेक अप। गेट अप का मतलब होता है खड़े हो जाओ, उठ जाओ, ठीक है। जिनके घर में अक्सर छोटे बच्चे होते हैं, वो जाग सुबह सुबह जाग चुके होते हैं नींद से, लेकिन फिर भी बेड पे पड़े रहे होते हैं, तो आप उनको बोल सकते हो कि गेट अप, कि उठ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक बाथ। टेक बाथ का मतलब होता है नहा लो। किसी को आप बोल रहे हो टेक बाथ, दैट मीन्स आप उनको बोल रहे हो कि नहा लो। ओके, देन टेक अ बाइट। टेक अ बाइट, बाइट होता है निवाला, ठीक है। कोई भी बाइट जो हम खाने पीने की कोई चीज़ खाने की कोई चीज़ होती है, उसे हम बाइट उसका एक जो निवाला होता है उसे हम बाइट कहते हैं। तो किसी को भी आप बोलना चाहते हो कि एक बाइट ले लो, एक निवाला ले लो, तो आप बोल सकते हो टेक अ बाइट, ठीक है। एक निवाला लो, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक अ सिप। सिप का मतलब होता है घूंट, ठीक है। किसी को भी आपको बोलना है कि एक सिप ले लो, एक घूंट ले लो। बाइट हम यूज़ करते हैं जब कोई खाने की चीज़ होती है, और सिप हम यूज़ करते हैं जब कोई पीने की चीज़ होती है, ठीक है। पानी हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक, जूस वगैरह कुछ भी हो सकता है, कोई भी तरल पदार्थ आप किसी को बोल रहे हो पीने के लिए, तो आप बोल सकते हो टेक अ सिप। ओके, नेक्स्ट इज गो फास्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है जल्दी जाओ, ठीक है।
किसी को बोलना हो कि जल्दी जाओ, देन यू कैन से गो फास्ट. ठीक है, गो फास्ट. ओके, तो चलिए ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस हम लोग देख लेते हैं. ये है गो देयर. गो का मतलब होता है जाना और देयर का मतलब होता है वहाँ. इसका मतलब हो गया वहाँ जाओ. ठीक है, आपको किसी को बोलना है वहाँ जाओ, आप बोल सकते हो गो देयर. ठीक है, अब है कम हेयर. कम हेयर का मतलब, कम का मतलब होता है आओ और हेयर का मतलब होता है यहाँ. ठीक है, गो देयर वहाँ जाओ, कम हेयर यहाँ आओ. ओके, नेक्स्ट इज गो स्ट्रेट. गो का मतलब जाओ, स्ट्रेट का मतलब सीधा. ठीक है, किसी को आपको बोलना हो सीधे जाओ तो आप बोल सकते हो गो स्ट्रेट. गो स्ट्रेट, सीधे जाओ. नेक्स्ट इज वॉक स्लोली. वॉक का मतलब होता है चलना और स्लो का मतलब होता है धीरे. अगर आपको किसी को ये बोलना है कि धीरे चलो या फिर धीरे चलिए तो आप बोल सकते हैं वॉक स्लोली. ठीक है, ठीक, वॉक स्लोली, धीरे चलो. नेक्स्ट इज स्पीक अलाउड. स्पीक का मतलब होता है दोस्तों बोलना. ठीक है, और अलाउड का मतलब होता है जोर से. इस फेज का मतलब हो गया जोर से बोलो. ठीक है, किसी को आपको बोलना है कि जोर से बोलो तो आप बोल सकते हो स्पीक अलाउड. ओके, देन द नेक्स्ट इज कम इन. कम इन सबको पता होता है, कम इन का मतलब होता है अंदर आ जाओ. ठीक है, इन का मतलब होता है अंदर, कम का मतलब आ जाओ, अंदर आ जाओ. ठीक है, गो आउट इसका बिल्कुल ऑपोजिट है. गो का मतलब जाओ, आउट मतलब बाहर. ठीक है, कम इन अंदर आओ, गो आउट बाहर जाओ. देन इट इज गेट आउट. गेट आउट ये बहुत बार आपने सुना होगा, किसी को बोलते हैं हम कि बाहर निकल जाओ तो आप बोल सकते हो गेट आउट. ठीक है, एक्चुअली ये हम तभी यूज़ करते हैं जब हम थोड़ा सा गुस्से में होते हैं, हम चाहते हैं कि वो बंदा या वो जो भी है वो बिल्कुल बाहर हो जाए. ठीक है, आंखों के सामने से ओझल हो जाए, तभी हम इस सेंटेंस का, इस फ्रेज का यूज़ करते हैं, गेट आउट, बाहर निकल जाओ. ओके, देन कम आउट. हम बाहर हैं और किसी को हमें बाहर बुलाना है, हम बोल सकते हैं कम आउट. ठीक है, बाहर आ जाओ. ठीक है, गेट आउट बाहर निकल जाओ, कम आउट बाहर आ जाओ, बाहर आओ. गेट, सॉरी, गो इन. गो का मतलब जाओ और इन का मतलब अंदर. इस फ्रेज का मतलब हो गया अंदर जाओ. ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए बस इतना काफ़ी है. ऐसे और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं बट एक वीडियो में सारा कवर करना बहुत मुश्किल है. इन वीडियोस की सीरीज चलेगी, अभी ये इसका फर्स्ट पार्ट है जो आप देख रहे हैं. और पार्ट्स के लिए आप प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं इसी वीडियो की. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं और ऐसी और वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट. बाय बाय.